सूत्र प्रथम सूत्र में अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करके इसमें क्या विधान किया गया मेरे उस विधान विधान क्या गया विचार कर्तव्य जिज्ञासा शब्द का था ज्ञान आया विचार ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार आगे कर्तव्य का अधिकार क्या विचार कर्तव्य ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार कर्तव्य हो कर्तव्य तो कहाँ रहेगी विचार में कर्तव्यता विचार में कर्तव्यता ये सूत्रकार कहते हैं इसमें कल आया था सूत्रण विचार कर्तव्यता रूप सौतार्थान्यथानुपपत्या अर्थात सूत्रितम विषय प्रयोजनवत्व सर्वमनस्य निधाय ब्रह्मसूत्राणि व्याख्यातु गामा भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार अध्यास हेतु समाधान भाष्याभ्याम प्रथम वर्णयति आया सूत्र का वर्णन करते तो वहाँ सूत्रकार सूत्रेण ब्रह्मसूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा क्या कहा गया विचार कर्तव्यता विचार कर्तव्यता रूप अर्थ है जो अर्थ श्रोतार्थ श्रोतव्य आत्मा वे दर्शक श्रोतव्य श्रोतव्य कह करके पहले बताया था तव्य प्रति के द्वारा विधि उसका विषय श्रवण श्रवण मनन श्रवण का विषय वेदांत वाक्य ये जो श्रोतार्थ विचार कर्तव्यता सूत्र के द्वारा कहा सूत्र का ने कहा इससे अन्यथा अनुपत्या अर्थात सूत्रितम विषय प्रयोजनवत्व विषय प्रयोजनवत्व अन्यथा अनुपत्या सूत्रितम सूत्र में कहा गया विषय प्रयोजनवत्व सूत्र में विषय प्रयोजनवत्व कैसे कहा गया अन्यथा अनुपत्या अन्यथा अनुपपत्ति अर्थापत्ति को कहते अन्यथा अनुपपत्ति अन्यथा प्रकार वचन थाल होता है अन्य प्रकार न अन्य प्रकार न अनुपपत्ति अयुक्तिक असंगता अन्य प्रकार से संबंध युक्ति युक्त नहीं है ये शब्दार्थ हो गया अन्य प्रकार युक्ति युक्त नहीं अर्थापत्ति प्रमाण को कहते हैं न्याय में तो चार प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द किंतु अर्थापत्ति के प्रमाण अलग मानते हैं मीमांसा वेदांत में दीवा पीनो देवदत्तो दीवान भुंगते कोई व्यक्ति पीनो स्थूल का है मोटा पतेड़ा स्थूल शरीर वाला पीनो देवदत्तो दीवान भुंगते दिन में नहीं खाता है कोई कहा देखा है दिन में नहीं खाता है तो दिन में नहीं खाने वाले का पीनत्व दीवा भुंजानस्य पीनत्व दिन में खाएगा रात में खाए मोटाता हो सकता है दीवा अभुंजानस्य दिन में नहीं खाने वाले पीनत्व रात्रि भोजन बिना अनुपपत्ति असंभव है अयुक्ति का है तो रात्रि भोजन बिना अन्यथा का था रात्रि भोजन बिना पीनत्व अनुपपत्या कस्य दीवा अभुंजानस्य दिन में नहीं खाने वाले पीनत्व तुलकाय शरीर मोटा ये नहीं हो सकता है तो अन्यथा अनुपपति रात्रि भोजन बिना रात्रि भोजन के बिना पीनत्व अनुपत्या कल्पना क्या करते रात्रि भोजन कल्पना करते अर्थापत्ति प्रमाण से इसी प्रकार यहाँ है विचार कर्तव्यता सूत्रकार कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा विचार कर्तव्यता कहते विचार कर्तव्यता कैसे होगी यदि उसमें विषय प्रयोजनवत्व नहीं रहेगा शास्त्र का कोई विषय नहीं कोई प्रयोजन नहीं तो उसका विचार करने के लिए कहीं विचार में कर्तव्यता प्रतिपादन किया जाएगा विषय प्रयोजनवत्ता जो कहा गया वो कैसे शब्द सूत्र में तो नहीं है किंतु अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है
विषय प्रयोजनवत्व अर्थापति के अन्यथा अनुपपति अन्यथा क्या है विषय प्रयोजनवत्व बिना विषय प्रयोजनवत्व बिना अनुपपत्ति कर विचार कर्तव्यता रूप अनुपति जैसे दुकान लिखा है विचार कर्तव्यता रूप सौतार्थ अन्यथा अनुपपत्या अन्यथा अन्य प्रकार अन्य अन्यथा का अर्थ है विषय प्रयोजनवत्व बिना अन्यथा किसके बिना विषय प्रयोजन शास्त्र के नहीं रहेगा तो विचार कर्तव्यता बनेगी विचार कर्तव्यता का विधान करते सूत्र के द्वारा तो उसे क्या सिद्ध होता है अर्थात विषय प्रयोजनवत्व अस्ति शास्त्र से शास्त्र का क्या है विषय और प्रयोजन दोनों है विषय प्रयोजनवत्व अर्थात सूत्रितम शब्द से सूत्र में नहीं कहा गया अर्थात ब्रह्म जी के सूत्र में शब्द से विषय प्रयोजन नहीं कहा किंतु अर्थात कहा गया सूत्रितम सूत्र उक्तम सूत्र के द्वारा प्रतिपादित सूत्र के द्वारा सूत्र का तात्पर्य विषय प्रयोजनवत्व है सूत्रकार कहते विचार करना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र विचार करना चाहिए तो विचार में कर्तव्यता का विधान करते हैं विषय प्रयोजनवत्व के बिना कर्तव्यता अनुपपत्या अर्थात श्रोतृतम किम श्रोतृतम विषय प्रयोजनवत्व शास्त्र का विषय प्रयोजन है ये विषय प्रयोजनवत्व पहले बताते भगवान भाष्यकार ये उपद्घात भूमिका है उपद्घातत्वात् उपद्घात भूमिका उनसे तत्सिद्धि विषय प्रयोजनवत्व सिद्धि के लिए शास्त्र के भूमिका रूप से पहले उसका हेतु अध्यास आक्षेप समाधान भाष्य के द्वारा प्रथम वर्णयति विषय प्रयोजनवत्व प्रथम वर्णयति भगवान भाष्यकार ये विषय प्रयोजन होगा तभी तो शास्त्र आरंभ शास्त्र में प्रवृत्ति होगी शास्त्र में विचार कर्तव्यता रूप जो विधान किया तभी संगत होगा यह तो हो गया था एतेन सूत्रार्था स्पर्शित्वाद अध्यास ग्रंथ न भाष्यमिति निरर्थम साक्षात शब्द से अध्यास का तो नाम नहीं किया किंतु अध्यास सिद्ध होगा तो विषय प्रयोजन तो सिद्ध होगा बंध यदि आरोपित होगा तभी जीव ब्रह्म एकता रूप विषय संभव है जीव में वास्तव सत्य बंधन होगा तो ब्रह्म के साथ जीव की एकता नहीं हो सकती विषय जीव ब्रह्म ही क्या और प्रयोजन है मोक्ष विचारजन्य ज्ञान से बंध के निवृत्ति हो तो प्रयोजन है निवृत्ति किंतु बंध यदि सत्य होगा विचारजन्य ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी बंध की किस ज्ञान से निवृत्ति होगी सत्य बंधन की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी तो उसके लिए बंध निवृत्ति के लिए जो विचार जन्य ज्ञान के लिए विचार करते हुए था ज्ञान के लिए विचार करना चाहिए तो ज्ञान के लिए विचार करने के लिए जो कहते हैं ये भी सिद्ध होता है कि बंधन मिथ्या तभी ज्ञान से निवृत्ति होगी तो इसलिए भाष्य के साथ अध्यास के साथ भाष्य का कोई संबंध नहीं बात नहीं बंध अध्यस्त सिद्ध होगा तभी विषय प्रयोजनवत्व सिद्ध होगा तो साथ विचार में कर्तव्यता सिद्ध होगी आर्थिक अर्थ स्पर्श अर्थ से शास्त्र के अर्थ के स्पर्श करता है अध्यास अब शास्त्र का जो अर्थ है उसके साथ अर्थ से स्पर्श करता संबंध होता है इसके पर एक मंगलाचरण मंगलाचरण क्यों ना शास्त्र न प्रसते महाभाष्यकार का वचन है मंगलादि शास्त्राणी नहीं हाँ मंगलादि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते आयुष्मत पुरुषाणि वीर पुरुष गाणि जब हम यथाशी वैसे करके और विशेषाधिकारी से संबंध से प्रयोजनम
बिनानुबंधं ग्रंथादामत दौ मंगलम नहीं शक्यते। ग्रंथ के आदि में मंगल के बिना ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं होता है, कहीं समाप्त नहीं होता है, प्रसिद्ध नहीं होता है। मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने के लिए श्रुति वाक्य कहीं उक्त उपलब्ध नहीं कि ग्रंथ समाप्ति करने वाला समाप्ति काम मंगल में आचर्य थे, विघ्न ध्वंस काम मंगल में आचर्य थे, इसी कोई श्रुति वाक्य नहीं है। तो स्मृति वाक्य महाभाष्यकार का वाक्य और एक शिष्टाचार, शिष्ट पुरुष ऐसे आचरण करते हैं ग्रंथ में देखा जाता है, शिष्टाचार ही प्रमाण है। हाँ, यदि स्मृति का विरोध होगा तो शिष्टाचार प्रमाण नहीं होगा, स्मृति भी प्रमाण है श्रुति सम्मत होने पर, श्रुति के विरुद्ध होगा तो स्मृति प्रमाण नहीं। इसी प्रकार श्रुति स्मृति का विरुद्ध होगा तो शिष्टाचार भी प्रमाण नहीं, किंतु श्रुति स्मृति का विरोध नहीं होगा तो शिष्टाचार भी प्रमाण है। शिष्टाचार दिखाता शिष्ट पुरुष ग्रंथकार सब मंगलाचरण करते हैं, इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए, इसमें मंगलाचरण नहीं। आगे यत्तु मंगलाचरण अभावात, भाष्यकार भगवान मंगलाचरण नहीं करके शुरू कर दिया इस समुदाय दस मत, सब ग्रंथों में तो मंगलाचरण है, भाष्य में मंगलाचरण नहीं। मंगलाचरण अभावात श्रुति प्रमाण नहीं होने पर भी स्मृति और शिष्टाचार प्रमाण है, तो मंगलाचरण करना चाहिए। और स्मृति के द्वारा श्रुति की कल्पना भी होती है, श्रुति विरुद्ध नहीं। मंगलाचरण शिष्टाचार सु करते तो समाप्ति काम मंगलमाचर्य, ऐसे विघ्न ध्वंस काम मंगलमाचर्य, इसे कल्पना करते। तो मंगलाचरण अभावाद अव्याख्येयम इदम भाष्यम, इदम भाष्यम न व्याख्येयम, भाष्य की व्याख्या करनी नहीं चाहिए। जिस ग्रंथ भाष्य ग्रंथ है मंगलाचरण ही नहीं, वो क्या प्रमाण है, वो ग्रंथ क्या है, उसकी क्या व्याख्या करना चाहिए थी, जो कोई कहते तन न कहते मंगलाचरण है नहीं, बात नहीं, मंगलाचरण है। इसमें जो प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव इतर इतर भाव अनुपत सिद्धायाम तद्धर्मानामपि सुतराम इतर इतर भाव अनुपपत्ति, ये जो कहा है सुतराम इतर इतर भाव अनुपपत्ति इत्यंत भाष्य रचनार्थम, यहाँ तक भाष्य रचना करने के लिए, यहाँ तक प्रयुष्म दशम से लेकर के सुतराम इतर इतर भाव अनुपपत्ति दो है, चिन्मात्र अस्मद युष्मद अस्मद प्रत्येक उच्चर शुद्ध चैतन्य का स्मरण किया गया, शब्द प्रयोग करने के लिए बुद्धवान शब्दान प्रयुक्ते, कोई शब्द प्रयोग करता है तो उसका शब्द प्रयोग हेतु होता ज्ञान, ज्ञान होने पर शब्द प्रयोग होता है, जिस शब्द प्रयोग करते उसके पहले उसका ज्ञान होता है। ज्ञान कहीं प्रत्यक्ष देखेगा कोई जरूरी नहीं, स्मरण होगा, तो इसलिए यहाँ उस स्मरण इसमें ये मंगल है। इत्यंत भाष्य रचनार्थम भाष्य रचना के लिए तदर्थस्य भाष्य के अर्थ स्मृतत्वात् अर्थ का स्मरण किया गया, उसका अर्थ क्या है वो, क्योंकि इसमें एक चैतन्य और एक और अनात्मा दोनों विरुद्ध है, दोनों में ऐक्य सिद्ध नहीं होता है, अध्यास नहीं होगा, दोनों में ऐक्य अध्यास नहीं होगा तो दोनों में परस्पर धर्म का भी अध्यास नहीं होगा, ये कहा। इसमें एक अनात्मा और आत्मा, एक आत्मतत्व शुद्ध चिन्मात्र उसका स्मरण हुआ, क्या कौन है सर्वोपप्लव रहितस्य विज्ञान घन प्रत्येकर्थस्य तत्व से स्मृतत्वाद, जो तत्व विज्ञान घन रूप प्रत्येक अर्थ प्रत्येक आत्मा का अर्थ विज्ञान घन शुद्ध चैतन्य तत्व है, जिसमें सारे उपप्लव रहित सारे संकट दुख आदि संतार उपप्लव रहित शुद्ध तत्व उसका स्मरण किया। क्यों स्मरण कैसे कहा गया, रचनार्थम, इसका रचना करने के लिए एक आत्मा और एक अनात्मा दोनों का ऐक्य अध्यास नहीं हो सकता है, ऐक्य आरोप नहीं हो सकता है, दोनों में एकता का आरोप
संभव नहीं, दोनों में बहुत अत्यंत विलक्षण है कह करके उसमें दो पदार्थ है, एक दृढ़ रूप चेतना आत्मा और बाकी अनात्मा। तो दृढ़ रूप चेतना जो विज्ञान घन रूप है प्रत्येक आत्मा तत्व, उसका स्मरण करना होगा। स्मरण क्या होगा? उसका स्मरण नहीं करेंगे तो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। तो भाष्यकार ही तत्व से स्मृतत्वाद ये तत्व का स्मरण किया। मंगलाचरण जो श्लोक लेकर के रखते हैं, मंगलाचरण का अर्थ नहीं कि श्लोक के कर लिख देना, मंगलाचरण का मतलब एक श्लोक बना देना, श्लोक बना दे तो मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण है मंगल के लिए ईश्वर की प्रार्थना नमस्कार आत्मा का मंगलाचरण, परमात्मा का स्मरण करके आशीर्वाद मानना है। कभी परमात्मा वस्तु निर्देश परमात्मा का ही स्मरण हो गया, आशीर्वाद भी नहीं मानना नमस्कार भी नहीं कहना, खाली स्मरण करे, ये भी मंगलाचरण है। वस्तु निर्देश वस्तु का निर्देश ये मन से ध्यान करना है, परमात्मा की प्रार्थना करो, परमात्मा से आशीर्वाद मानो अथवा परमात्मा का स्मरण करो, वस्तु निर्देश वस्तु का कथन। श्लोक क्यों बनाते हैं? श्लोक बनाने से आगे शिष्य शिष्यापि एवं कुर्यु, शिष्य शिक्षाई, शिष्यों को शिक्षा देने के लिए श्लोक बनाते हैं। ग्रंथ के अंतर्गत तो श्लोक बना देने से जो पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा ये मंगलाचरण आचार्य ने किया है। ग्रंथ घटक ही करोति, ग्रंथ के अंतर्गत कर देते हैं शिष्य शिक्षार्थम। पहले मंगलाचरण उन्होंने किया था ध्यान चिंतन प्रार्थना आदि, उसको श्लोक में रख करके ग्रंथ के अंतर्गत, ग्रंथ के अंतर्भूत ग्रंथ का घटक बना देते हैं। किस लिए? शिष्य शिक्षा ही। शिष्य को क्या शिक्षा मिलेगी? शिष्यापि एवं कुरु, वो भी ग्रंथ लिखें तो वो भी मंगलाचरण करें। इसके लिए एक श्लोक आदि गए कि दो तीन पाँच दस श्लोक बना देते हैं, नहीं तो मंगलाचरण का अर्थ नहीं कि श्लोक। मंगलाचरण तो है मनुष्य ध्यान। यहाँ ऐसे प्रत्येक आत्मा जो विज्ञान घन उसका स्मरण हुआ, ये स्मरण ही मंगलाचरण हो गया। और उसे शब्द से नहीं कहा तो भाष्य ग्रंथ में ऐसे उसका स्मरण किया गया करे कि पता चल जाता है, जिस शब्द का प्रयोग करते उसका अर्थ स्मरण पहले होता है। शब्द रचना शब्द प्रयोग के पहले अर्थ स्मरण होता ही है, तो उसका अर्थ स्मरण पर मंगलाचरण किया गया है। इति अतो निर्दोषत्वाद इदम भाष्यम व्याख्यम। निर्दोषत्वाद कोई दोष नहीं, मंगलाचरण नहीं करके दोष कह करके न व्याख्येयम कहा था, अव्याख्यम निर्दोषत्वाद इदम भाष्यम व्याख्येयम। अभी लोक में भ्रम होता है, इदम रजतम अहिंसा पर भ्रम होता है, भ्रम होता है। भ्रम होने के लिए रजत का ज्ञान नहीं होगा तो सुक्ति के अज्ञान से सर्प भ्रम होता है, होता है हैं? सुक्ति के अज्ञान से रजत का भ्रम, रजत का भ्रम के लिए क्या कारण? सुक्ति का अज्ञान। और सर्प भ्रम के लिए रज्जु का अज्ञान। खाली अज्ञान कारण नहीं, रज्जु के अज्ञान हो गया इतने मात्र सर्पभ्रम नहीं होगा। सर्प का संस्कार जिसको नहीं है सर्प का भ्रम नहीं हो सकता है, संस्कार भी कारण। संस्कार नहीं होगा तो सर्प का भ्रम नहीं होगा। जिसने हाथी कभी नहीं देखा, ऊँट कभी नहीं देखा, ऊँट का उसका संस्कार नहीं, वो जानवर कोई पत्थर देकर ऊँट का भ्रम कैसे होगा? भ्रम के लिए संस्कार भी कारण मालूम है, भ्रम के लिए संस्कार अज्ञान का कारण और संस्कार। जिसका भ्रम होता है उसका संस्कार कारण नहीं कि अन्य का संस्कार, संस्कार तो बहुत ही, संस्कार को अभाव नहीं बहुत स्मरण होता है, किंतु जिसका भ्रम, यदि सर्प का भ्रम होता है तो किसका संस्कार चाहिए? रजत भ्रम के लिए किसका संस्कार? रजत का संस्कार। अभी रजत संस्कार के लिए, रजत भ्रम के लिए रजत संस्कार,
संस्कार कहाँ से होता है? पूर्वजनों से हैं? हाँ, पूर्व अनुभव से, अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना नाम का संस्कार। स्मरण का है तो स्मरण के लिए भी संस्कार कारण कारण है, स्मृति हेतु भावना जो अनुभवजन्य, पहले अनुभव हुआ तो अनुभवजन्य संस्कार होता है। अभी शंका करते, पहले संस्कार होने के लिए उसका अनुभव होना चाहिए। ये जगत अनात्मा का भ्रम होता है, इसके लिए अनात्मा का संस्कार भी चाहिए। संस्कार होने के लिए जगत का पहले कभी अनुभव हुआ था, हुआ है, प्रमा है। देखो, लोके सुक्ता इदम रजतमिति भ्रम, भ्रम है सुक्तो इदम रजत भ्रम, खाली इदम रजतम ज्ञान भ्रम है यथार्थ है, कभी यथार्थ हो सकता है कभी भ्रम हो सकता है, किंतु सुक्ति में है तो भ्रम है। अयम सर्प ज्ञान भ्रम है यथार्थ है, रज्ज्वाम अयम सर्प ज्ञान भ्रम, तो सुक्तो इदम रजतमिति भ्रम। ये भ्रम होने से क्या होता है? भ्रम में सत्य जब इदम रजतम कोई सत्य ज्ञान हुआ, एक इदम और एक रजतम, इदम रजतम सत्य रजत का ज्ञान होगा, इदम रजतम, इदम रजतम रजत और इदम, इदम अधिष्ठान सामान्य रजत दोनों का एकत्व तादात्म्य भान होता है। इदम रजतम रजतम इदम ज्ञान होता है, सत्य रजते इदम रजतमिति, सत्य रजत इदम रजत ज्ञान हुआ। इदम होता अधिष्ठान, अधिष्ठान है रजत सत्य है, ये जो रजत सत्य है, इदम रजत भ्रम होने के लिए पहले सत्य रजत की प्रमा हुई है, प्रमाजन्य संस्कार हुआ है। ये संस्कार होने पर ये इदम रजतम से भ्रम होता है, भ्रम होने के लिए संस्कार कारण, संस्कार कैसे होगा? प्रमा से, अनुभव से। ये देखो, इदम रजतमिति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेष, आरोप्य विशेष होता है रजत, भ्रमस्थल में इदम रजत में आरोप्य रजत है, विशेष रजत हो गया आरोप्य, और इदम होता अधिष्ठान सामान्य, इदम इदम ज्ञान है अधिष्ठान सामान्य ज्ञान, इदम तो न ज्ञान हुआ तो अधिष्ठान सामान्य के ज्ञान, सामान्य ज्ञान आरोप्य होता है विशेष, रजत का विशेष का ज्ञान नहीं हुआ ब्रह्मस्थल में, सुक्ति का, सुक्ति का विशेष ज्ञान नहीं हुआ, विशेष ज्ञान किसका हुआ? रजत। और अधिष्ठान ज्ञान इदम ज्ञान अधिष्ठान सामान्य, और आरोप्य होता है रजत, सत्य रजत स्थल में तो आरोप्य नहीं, किंतु सुक्तो इदम रजतम, इदम शब्द से सुक्ति को दिखाते हैं, अधिष्ठान सुक्ति जो है वहाँ उसका इदम अंश केवल दिखता है, सुक्तित्व तो नहीं दिखता है, सुक्ति दिखती है किंतु उसका ज्ञान किस रूप से होता है? इदम त्वेन, इदम सुक्तित्व नहीं, अधिष्ठान का विशेष ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान है इदम, और आरोप्य का विशेष ज्ञान है रजतम, अधिष्ठान सामान्य आरोप विशेष और ऐक्य प्रमा, ऐक्य प्रमा सत्य रजत तल में है, है? नहीं, सत्य रजत तल में ऐक्य प्रमा नहीं, इदम के साथ रजत की एकता की प्रमा यथार्थ अनुभव है, यथार्थ प्रमा हुआ पहले हुई, ऐक्य प्रमा उनसे क्या हुई? प्रमा जनित संस्कार, प्रमा आहित संस्कार, आहित प्रमाजनित, प्रमाण से प्रमाजन्य संस्कार होगा, प्रमाहित संस्कार, ये जो संस्कार पहले हुआ था इदम रजतमिति भ्रम संस्कार जन्य दृष्ट, लोके इदम रजतमिति भ्रम संस्कार जन्य दृष्ट, संस्कार जन्य दिखा गया, संस्कार जन्य होता है इदम रजत में अधिष्ठान सामान्य इदम आरोप्य है विशेष रजत,
ये जो इदम रजत दोनों की एकता है, ऐक्य की प्रमा पहले कहीं हुई होती है? कहाँ? सत्र इदम रजतम, इदम और रजत दोनों का, दोनों की एकता, एकता है ऐक्यम इदम रजतम, ऐक्य की प्रमा हुई थी प्रमाजनित संस्कार से, यहाँ भ्रम हुआ, इदम रजत भ्रम हुआ। इदम रजत भ्रम होने के लिए संस्कार चाहिए, संस्कार होता है प्रमा, ऐक्य की इदम रजतम ये भ्रम है। इदम रजत दोनों की एकता, एकता का जो भ्रम होता है उसके लिए संस्कार कारण, संस्कार के लिए प्रमा, किसकी प्रमा? ऐक्य की प्रमा, इदम रजत ऐक्य की प्रमा। यहाँ भ्रमस्थल में इदम है अधिष्ठान सामान्य, आरोप होता है रजत, किंतु सत्य स्थल में ये ऐक्य प्रमा हुई। ऐक्य प्रमा कहाँ हुई? सत्य। और सुतो विदम रजत होता है, वो ऐक्य प्रमा आहित संस्कार जन्य, ऐक्य प्रमा से उत्पन्न हुआ संस्कार, संस्कार जन्य क्या हुआ? भ्रम, इदम रजत भ्रम। इत्यत्र अपि आत्मने अनात्माहंकार अध्यास, आत्मा में अनात्मा का अध्यास करना, अनात्मा अहंकार, आत्मा के साथ अनात्मा का एक अध्यास करना, अनात्मा अहंकार अध्यास। जैसे इदम में रजत आरोपित तो हुआ, इसे आत्मा में अनात्मा अहंकार का एक अध्यास करने के लिए संस्कार चाहिए, संस्कार के लिए पूर्व परमा वाच्य, पहले प्रमा हुई थी आत्मा के साथ अहंकार का ऐक्य की प्रमा, प्रमाजन संस्कार होने से अभी अध्यास होगा, पूर्व प्रमा वाच्य, क्योंकि लोक में दिखा गया प्रमा ही तो संस्कार जन्य भ्रम, प्रमाजनित संस्कार से भ्रम होता है। यहाँ भी आत्मा में अनात्मा का जो अध्यास आरभ भ्रम होता है वो प्रमाजनित संस्कार चाहिए, तो अहंकार अध्यास के लिए, आत्मा में अहंकार अध्यास करने के लिए क्या करनी चाहिए? पूर्व प्रमा कहनी चाहिए। पूर्व प्रमा होने, प्रमा होने के लिए विषय यथार्थ विषय होना चाहिए, विषय के ना प्रमा हुई तो विषय प्रमा हुई तो किसके प्रमा? आत्मा अनात्मा की एकता ऐक्य, आत्मा अनात्मा ऐक्य की प्रमा होने के लिए आत्मा अनात्मा ऐक्य होनी चाहिए। देखो सच आत्मा अनात्मर वास्तव ऐक्यम अपेक्षते सा प्रमा, जिसकी प्रमा है उसका विषय वास्तव होना चाहिए, विषय वास्तव होना चाहिए। कल्पित विषय होगा तो ज्ञान को प्रमा कहेंगे? रज्जु में सर्प कल्पित है, सर्प का जो ज्ञान है वो प्रमा है, क्योंकि कल्पित सर्प है। वास्तव सर्प का ज्ञान हो सकता है? वो ज्ञान प्रमा है। यहाँ आत्मानात्मनर वास्तव ऐक्यम अपेक्षते का प्रमा, प्रमा होने के लिए ऐक्य की प्रमा, ऐक्य प्रमा होने के लिए विषय चाहिए, विषय क्या है? वास्तव ऐक्यम अपेक्षते। अब आत्मानात्म में वास्तव एकता कब होता है, कैसे होता है, कभी हुई थी एकता? आत्मानात्म की वास्तव एकता नहीं तदस्ति, ये दोनों में वास्तविक कभी नहीं होता है, एक आत्मा और एक अनात्मा में वास्तविक नहीं है। इदम के साथ रजत का वास्तविक है, सूत्र में इदम रजत ज्ञान हुआ, इदम रजत दोनों का वास्तविक भ्रमस्थल में है और कहीं है? सतरजत में है, वहाँ प्रमा हुई थी, प्रमा के लिए क्यों था? किंतु यहाँ वास्तविक आत्मानात्मा का वास्तविक्यम नास्ति, वास्तविक की प्रमा होगी, आत्मानात्मा के की वास्तविकता की प्रमा नहीं हो तो प्रमाजन्य संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं हो तो भ्रम कैसे होगा? नहीं तदस्ति, ऐक्यम नास्ति, वास्तविक्यम नास्ति। आत्मानात्मा तत्पश्चे आत्मा अनात्मा दोनों के वास्तविक्यम नास्ति, नहीं अस्ति, तथा ही कहते क्यों नहीं है?
आत्मानात्मानौ ऐक्य शून्यौ परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात् तम प्रकाशवत्। जिस परस्पर ऐक्य की योग्यता जिसमें नहीं अयोग्य है, परस्पर ऐक अयोग्यत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र ऐक्य शून्यत्वम एकता नहीं। परस्पर ऐक्य की योग्यता परस्पर ऐक अयोग्यत्वम दोनों में परस्पर ऐक्य की योग्यता जहाँ नहीं क्या रहेगी, योग्यता नहीं तो अयोग्यता। परस्पर ऐक अयोग्यत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र ऐक्य शून्यत्वम ऐक्य नहीं, एक नहीं होगा। परस्पर ऐक्य की योग्यता नहीं तो ऐक्य नहीं होगा। कैसे परस्पर ऐक्य योग्यता कहाँ नहीं, तमह प्रकाशवत अंधकार और प्रकाश एक स्थान में अंधकार प्रकाश दोनों रह सकते हैं, दोनों रह सकते हैं है? दोनों नहीं रहेंगे। ये कमरा खोलो देखो, ये कमरा खोलने के बाद कमरा में कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा, अंधकार रहता है। अब पदार्थ दिखता है तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं होगा तो पदार्थ नहीं दिखेगा और अंधकार भी दिखता है। तो अंधकार प्रकाश दोनों है, मंद अंधकार। कमरा खोलने पर वहाँ के अंदर कुछ नहीं दिखता, नहीं थोड़ा दिखता है और प्रकाश भी है। अंधकार प्रकाश साथ साथ रहा, किंतु अंधकार प्रकाश की एकता गुहा में है, कमरे में है या बाहर है, अंधकार प्रकाश की एकता ऐक्यम कभी नहीं है। तम प्रकाश के का ऐक्यम एकता कभी होता है, ब्रह्म ऐक्य नहीं है। दोनों साथ साथ रह जाने में ऐक्य नहीं होता है। तम प्रकाशवत दोनों में ये परस्पर ऐक्य की योग्यता है, अंधकार और प्रकाश में नहीं, उनसे ऐक्य नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ भी आत्मा अनात्मा में परस्पर ऐक्य योग्यता नहीं होने से ऐक्य नहीं होगा। ऐक्य नहीं होगा तो क्या होगा, ऐक्य विषय नहीं होगा तो उसकी प्रमा भी नहीं होगी, प्रमाण से प्रमाजन्य संस्कार नहीं होगा, अध्यास भ्रम भी नहीं होगा। इति मत्व ऐसा मान करके अच्छा क्यों ऐक्य नहीं हुआ, परस्पर ऐक्य की योग्यता नहीं, योग्यता क्यों नहीं, दोनों में विरोध है, दोनों विरोध होने से ऐक्य की योग्यता नहीं। जैसे अंधकार प्रकाश, प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है, प्रकाश अंधकार दोनों विरोध होने से दोनों में ऐक्य नहीं, ऐक्य की योग्यता ही नहीं। इति मत्वा हेतु हो गया विरोध, हेतुभूतम विरोधम, वहाँ जैसे तम प्रकाश में ऐक्य नहीं होने के कारण क्या है, दोनों विरोध है। इसी प्रकार आत्मानात्मा दोनों में ऐक्य नहीं होने के कारण विरोध है। वो विरोध परस्पर विरोध कैसे है, अंधकार प्रकाश जैसे परस्पर विरुद्ध है, दोनों विरोध है, आत्मानात्मा में भी इस प्रकार परस्पर क्या है, विरोध। विरोध कैसे है, वस्तुतः प्रतीतित्व व्यवहारतश्च साधयति, दोनों वस्तुतः वास्तव वस्तुत विरुद्ध है, दोनों में दोनों वास्तव विरोध है स्वरूपतः, और प्रतीति को लेकर विरोध है और व्यवहार को लेकर विरोध है। यह अभी आएगा, स्वरूपतः विरोध है, एक युष्म स्वरूप अनात्मा एक आत्मा, दोनों स्वरूपतः भिन्न है। और प्रत्यय है प्रतीति, प्रत्यय प्रत्यय में क्या है, अनात्मा है प्रतीति का विषय, प्रतीयते इति प्रत्यय, आत्मा प्रतीति का विषय नहीं, आत्मा स्वयं प्रतीति ही प्रत्यय, ये ज्ञान रूप, आत्मा ज्ञान रूपे अनात्मा ज्ञेय ज्ञान का विषय, प्रत्यय शब्द से दोनों कहा जाएगा, प्रतीति ही प्रत्यय कहते ज्ञान रूप हो गया आत्मा, और अनात्मा कहें प्रत्यय थी प्रतीयते थी प्रत्यय, प्रतीति का विषय, दोनों में परस्पर विरोध है, एक एक प्रतीति ज्ञान रूप है, एक ज्ञान का विषय, एक प्रकाश का प्रकाश और एक प्रकाश्य, विषय होता है प्रकाश्य और ज्ञान होता है प्रकाश, ये प्रतीति से विरुद्ध है। और एक है व्यवहार प्रतीति
और व्यवहारतश्च व्यवहार ज्ञान जन शब्द प्रयोग आत्मा इसमद आत्मा अनात्मा इसे आत्मा का व्यवहार ज्ञान जन्य व्यवहार प्रत्ययजन व्यवहार और अनात्मा का प्रत्ययजन व्यवहार ये तो आत्मा चिद्रूप का व्यवहार अलग चेतन दृढ़ हम और जड़ वर्ग का व्यवहार ज्ञान जन व्यवहार दृश्यत्व अलग है। ये सब अभी भाष्य में यहाँ इतने प्रकार तीन प्रकार विरोध दिखाने के लिए भाष्य है। व्यवहारतश्च विरोधम साधयति आत्मा अनात्मा का विरोध दोनों में ऐक्य नहीं होने के विरोध ऐक्य अयोग्यता का हेतु है विरोध विरोध विरोधम साधयति भगवान भाष्यकार किससे वस्तुतः पतितितः व्यवहार तीन प्रकार विरोध है। येष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर येष्मदस्मत् प्रत्यय गोचर गोचरयोः षष्ठी द्विवचन येष्मदस्मत् प्रत्यय गोचर कहते समय येष्मशब्द भी आ गया अस्मशब्द है। एक आता है सूत्र प्रत्योत्तर पदयश्च येष्मद के आगे प्रत्यय पर में हो अथवा उत्तर पद पर में हो तो देख दिया टीका में दिया सूत्र न प्रत्यय च उत्तर पदे च परत यम शब्द के आगे क्या पढ़ना चाहिए प्रत्यय अथवा उत्तर पद दोनों में हो तो क्या होगा दोनों में होने से यस्मद अस्मदोर म पर्यंतस्य तमादेश स्त यस्मद में म पर्यंत कहो दे आदेश हो जाएगा तो अस्मद में म पर्यंत हो जाएगा म यस्मद में म पर्यंत को तो आदेश होगा तो क्या बनेगा तो आगे क्या है अद और तो अद उनसे शेष लगभग त्वद बन जाएगा त्वद छ प्रत्यय करेंगे त्वदीय अथवा त्वत्पुत्र तब पुत्र त्वत्पुत्र त्वत्पुत्र उत्तर पद प्रत्यय पर पुत्र पद आएगा उत्तर पद हो तो भी आदेश हो जाएगा प्रत्यय पर तो हो जाएगा छ प्रत्यय करें तो कहें त्वदीय मदीय इस शब्द प्रयोग करते हैं दोनों में अस्म शब्द से ही म पर्यंत हो जाएगा म अज्ञात मत पुत्र मध्य ऐसे शब्द प्रयोग होता है दोनों शब्द को प्रत्यय पर हो उत्तर पद हो तो त्व म आदेश होता है इति विधानात् आगे दिया त्वदीयम मदीयम त्वत्पुत्र मत्पुत्र इति बात त्वदीय मध्य में क्या निमित्त है प्रत्यय पर में और त्वत्पुत्र मत्पुत्र में इतिवत आदेश होता है। त्वन्मत प्रत्यय गोचर तो फिर क्या होना चाहिए येष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर हो येष्मद अस्म इसमत क्या आगे अस्मत् अस्मत् क्या आगे प्रत्यय यहाँ प्रत्यय तो शब्द उत्तर पद वो प्रत्यय जो विधान व्याकरण में प्रत्यय प्रत्यय नहीं यहाँ प्रत्यय उत्तर पद प्रत्यय का भी उत्तर पद होता है प्रत्यय अलग उत्तर पद अलग या प्रत्यय उत्तर पद होगा यहाँ प्रत्यय शब्द है प्रत्यय गोचर हो जो सूत्र में व्याकरण में पर में उत्तर पद हो अथवा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय व्याकरण प्रत्यय अधिकार में आने वाले सूत्र में जो प्रत्यय सूत्र के द्वारा बीत जो प्रत्यय यहाँ प्रत्यय शब्द है उत्तर पद है उत्तर पद होने से क्या होगा यहाँ भी अस्मद को हो जाएगा त्वत अस्मद मत तो उनसे क्या बनना चाहिए त्वन मत प्रत्यय गोचर यो इति स्याद क्या होना चाहिए त्वन मत प्रत्यय गोचर त्वद अरु मत त्वद के द्वकार को अरुणाशिक हो जाए त्वन मत प्रत्यय गोचर यो त्वन मत प्रत्यय गोचर इति स्याद इति न च वाच्यम न च पहला इत नहीं कहना वहाँ जो प्रत्योत्तर पदस्य सूत्र से म पर्यंत को त्वम आदेश होता है तमाव एकवचन इति एकवचनाधिकारा उसके पहले
त्वमौ एकवचने, त्वर म एकवचन होते हैं, एकवचन का अधिकार है। यहाँ युष्मदर्शन जो दिया है एकवचन एकार्थक वाचक नहीं है, एकार्थ वाचक हो तो तत्मत प्रत्ययोच्चर होना चाहिए, एकवचन का अधिकार है, एकवचन में होता है, त्वमा एकवचन सूत्र से आता है। यहाँ क्या है एकवचन ही है। अत्र च युष्मदस्मदोर एकार्थवाचित्व अभावात, यहाँ युष्मद और अस्मद शब्द है दोनों एकार्थवाचक नहीं है, एकार्थवाचक नहीं हो तो त्वम आदेश होगा, क्यों एकार्थवाचक नहीं, युष्मत एक अस्मद एक है, शब्द को नहीं लेना अर्थ को लेना, राम शब्द एक है बहुत है, हैं एक राम शब्द, घट शब्द एक है बहुत है, हैं घटा बहुवचन किसे प्रयोग करते हैं, हाँ शब्द अनेक होने की कोई जरूरत नहीं, अर्थ घट अर्थ अनेक है, अनेक अर्थों को कहने के लिए घटश्च 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 कहें तो फिर एक से चौ करके घटा बनता है, भाषा का शब्द घट घट कहेंगे तो अर्थ में एकत्व बहुत देखना है, शब्द के लिए नहीं, घटा कहें तो शब्द तो एक ही किंतु बहुजन प्रयोग किया शब्द बहुत्व के लिए अर्थ के लिए, इसी प्रकार युष्म दशमदोर द्विवचन दिया, युष्म दशमदोर युष्मदोर युष्मद कितने है एक ही अस्मद एक ही दोनों मिलकर द्विवचन हुआ ना, युष्मद असदुर युष्मद अस्मद शब्द यो युष्मत शब्द असंशद एकार्थ वाचित अभाव, एक अर्थ वाचक नहीं, शब्द तो एक ही एक युष्म शब्द एक असम शब्द, कितने शब्द हुए द्विवचन हुआ तो युष्मद अस्मद द्विवचन हो गया, द्विवचन हो तो युष्मद कितने अर्थ का वाचक एक है, युष्मद एक शब्द है अस्मद एक शब्द एक अर्थ का वाचक नहीं, एकार्थवाचित्व अभाव एकार्थवाचक नहीं है अनेकवाचक है, युष्म शब्द अनेकत्र प्रयोग किया जाएगा कैसे अभी बताएंगे, एकार्थवाचित्व अभाव एकार्थवाचक क्यों नहीं, युष्म शब्द से यहाँ कहेंगे लोक में तो युष्म शब्द तुम ऐसे के लिए कहते मध्यम पुरुष में, एक आत्मा शब्द से चिद्रूप आत्मा लेंगे, बाकी सब अनात्मा को ग्रहण करने के लिए युष्म शब्द दिया, अनात्मा को इदम त्योने ग्रहण होता है, इदम भी कह सकते एतद भी कह सकते, किंतु ये भी कहेंगे आत्मा के साथ भी इदम एतद शब्द का प्रयोग होता है, अयम आत्मा एसो हम गच्छामि ऐसो हम एक कह करके इदम शब्द भी आत्मा के लिए कहा जाता है, अत्यंत विलक्षण दिखाने के लिए ऐसा इदम शब्द अयम आत्मा अयम आत्मा एतद अयम ऐसा ये तो प्रयोग किया जाता है कहता है, और अपने आत्मा के लिए कोई युष्म शब्द प्रयोग करे बोलो नहीं होता है, अन्य कृत युष्म शब्द अपने नहीं होता है, तो अस्मत शब्द के साथ युष्म शब्द का विरोध अत्यंत विरोध है, इदम शब्द का इत शब्द का अस्मद के साथ इतने विरोध नहीं है, अयम अहम अस्मि अयम अहम एसो हम गच्छामि इतर शब्द प्रयोग करते हैं, इसे युष्म शब्द अनात्मा को लेने के लिए, अनात्मा अर्थ कितने है माने के अनात्मा नाम युष्मद अर्थ नाम, युष्मद का अर्थ क्या है अनात्मा ना, युष्म शब्द का यहाँ अर्थ अनात्मा के लिए तोम के लिए नहीं, युष्मदर्थना अनात्मा नाम बहुत्वाद, युष्मदर्थ बहुत है अस्मदर्थ है क्या बहुत है, हाँ अस्मदर्थ आत्मा तो एक है किंतु अस्मदर्थ चैतन्य श्यापी उपाधि तो बहुत्वात, आत्मा तो एक है उपाधि से बहुत्व है बहुत्व से क्या होगा, युष्मदर्थ तो एकार्थवाचक हुए अनेकार्थवाचक है, तमादेश होगा तमादेश होने के लिए क्या चाहिए एकार्थवाचक होना चाहिए।
और भी है, यहाँ तक दिया नहीं। तो एक शेष तेदादिनाम यह पर सशिष्यते इसमद असमदे अस्मद शेष होना चाहिए, अस्मदी होना चाहिए। समान अर्थ एक विभति स्वरूपानाम एक शेष तेदादिनाम यह पर सशिष्यते आता है, जो पर वो रहेगा तो इसमें नहीं दिया। तो यहाँ शब्द नहीं लेना, अर्थ लेना है। अर्थ लेने से यहाँ एक शेष पर शेष नहीं, एक शेष नहीं है। तो यहाँ त्वम आदेश नहीं हुआ, इसमत अस्मत प्रत्यय गोचर ये हुआ। अभी कहते इसमें विग्रह कैसे होगा, इसमत अस्मत प्रत्यय गोचर ये हो, इसमत अस्मत दोनों तो आत्मा अनात्मा के लिए हो गया। ये दो इसमत अर्थ ही बहुत है, अस्मत अर्थ ही बहुत है। प्रत्यय गोचर ये हो, ये जो है विग्रह कैसे होगा, अनन एवं सती कथम अत्र भाष्य विग्रह, भाष्य वाक्य में विग्रह कैसे। विग्रह कितने प्रकार है, हैं पांच प्रकार विग्रह बोलो, क्या पांच प्रकार, लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह। लौकिक तो राज्ञ पुरुष राजपुरुष है, लौकिक विग्रह जो सिद्ध रूप है, सिद्ध रूप वाक्य से कहेंगे तो लौकिक विग्रह। और सिद्ध रूप सिद्धि के लिए जो प्रयोग किया जाता है प्रक्रिया अवस्था में, उसको अलौक्य विग्रह, लोक सिद्ध रूप नहीं। राजन गस पुरुषसु, कोई विग्रह पूछेगा तो राजन गस पुरुषसु, जो व्याकरण नहीं पढ़ा तो ये क्या है, राज्ञ पुरुष है तो हम जानते हैं, ये राजन गस पुरुषसु ये क्या है। व्याकरण पहले इसे में पढ़ते वो पाणिनि सूत्र आदि के बिना कुछ व्याकरण आदि रट कर पढ़ लेते हैं स्कूल में पढ़ते समय, फिर ये जो सुनते राजन का सपुर ससु होता है, ये क्या है, ये लोग क्यों लोग प्रसिद्ध नहीं। तो यहाँ विग्रह कैसे होगा, इसमत अस्मत प्रत्येक विचार हो न चुएम इति प्रत्यय इसमत प्रत्यय, यूएम इति प्रत्यय इसमत प्रत्यय, लोग के विग्रह करेंगे यूएम इस प्रकार प्रत्येक इसमत प्रत्यय करेंगे, वयम इति प्रत्यय अस्मत प्रत्यय तदगोचर हो, इसमत इति प्रत्यय इसमत प्रत्यय, अयमित अवयम इति प्रत्यय अस्मत प्रत्यय तदगोचर हो, इति विग्रह ऐसे करेंगे। शंका करने वाले कहते इति न वाच्यम, ऐसे विग्रह नहीं होगा। ये शब्द तो साधु बन जाएगा, यूयम इति प्रत्यय इसमत प्रत्यय, अवयम इति प्रत्यय अस्मत प्रत्यय तदगोचर हो, इसमत वसत प्रत्यय गोचर शब्द तो बन गया। क्योंकि यहाँ जो अर्थ लेना है, अर्थ क्या है कि अनात्मा है कि आत्मा, दोनों का परस्पर विरोध देखना, वस्तुतः विरोध है, प्रत्यय को लेकर विरोध है और गोचर को लेकर विरोध है, तीन विरोध देखना। ये वयमिति उष्मा युवमिति प्रत्यय तद गोचर कौन से अर्थ कहाँ सिद्ध होगा, शब्द साधुत्व भी अर्थ साधुत्वाद, ये जो विग्रह बताया शब्द साधु तो बन जाएगा किंतु अर्थ के लिए साधु विग्रह नहीं है। क्यों नहीं, नहीं अहंकार आदि अनात्मनो युवमिति प्रत्यय विषय तमस्ती चेत, अहंकार आदि अनात्मा है, अहंकार अनात्मा, अहंकार आदि जितने अनात्मा है उसमें अनात्मा में वयमिति प्रत्यय है, युवमिति प्रत्यय है नहीं, अहम व्ययमिति प्रत्यय तो अहम इति प्रत्यय आत्मा के लिए कहेंगे तो अनात्मा युवमिति प्रत्यय तो नहीं है, प्रत्यय विषयत्व अस्ति अनात्मा न युवमिति प्रत्यय विषयत्व नास्ति चेत, यहाँ तो संक्रांत से सिद्धांति कहते हैं न। यहाँ जो प्रत्यय गोचर में गोचर शब्द आया, गोचर इसे प्रत्यय का विषय विषयत्व नहीं, प्रत्यय विषयत्व ऐसा नहीं, गोचर पद से योग्यता परत्वात् प्रत्ययोग्यत्वम इसमद अस्मत प्रत्ययोग्ययु, योग्यता योग्य यस्मद अस्मत प्रत्यय गोचर का तो यस्मद अस्मत प्रत्यय योग्ययु, योग्यता अर्थ वर्ग कैसे योग्यता है,
चिदात्मा तावत अस्मत् प्रत्यय योग्य, चिदात्मा अस्मत् प्रत्यय के योग्य योग्य है। यहाँ मुख्य विषयता नहीं, गौण विषयता है। गोचर अस्मत् प्रत्यय की चिदात्मा है। कैसे अस्मत् प्रत्यय योग्य है? तत्प्रयुत संस्याद निवृत्ति फल भागवात। तत्प्रयुत में अस्मत् प्रत्यय लेना, अस्मत् प्रत्यय प्रयुत संस्याद निवृत्ति फल भागवात। अस्मत् प्रत्यय योग्य चिदात्मा अस्मद अहम, ऐसा ज्ञान जब होता है, अस्मद ऐसे प्रत्यय हुआ क्या? अहम ऐसे ज्ञान होने के बाद सुनो, हिसाब किताब नहीं करो, पंक्ति गिनना नहीं तो पुस्तक में ढूंढना कहीं, ऐसा नहीं करो। उसमें लग जाए तो सुनाई नहीं पड़ेगा, समझ नहीं आएगा। सामान्य चीज़ें कहते समय इधर उधर देखे, सो जाना हो अथवा व्यग्रता हो, दोनों प्रकार में समझ में किस में अधिक आएगा? लय संबोध है चित्तम विक्षिप्तम समय, ये विक्षेप है, निद्रा है लय अवस्था और विक्षिप्त है अन्य कुछ देखना, अन्य कुछ देखना अन्य कुछ करना, अथवा कलम से लेकर कुछ लिखते रहना, कुछ करते रहना, इधर कुछ लगे अथवा पंक्ति में देखना, आगे पीछे जितने कहते वो पंक्ति मिल गई उतने देखना है और आगे पीछे नहीं। अहम ऐसे प्रत्यय हो जाने पर कभी संचय होता है, अहम अस्मि नवा, अस्मि नवा कभी होता है, नास्मि कभी विपर्य होता है। अहम ऐसे प्रत्यय होने के बाद संशय और विपर्य होता है नहीं। ये संशय देखो, संशयादि निवृत्ति फल अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त, संशय आदि से विपर्य भ्रांति निवृत्ति है फल। निवृत्ति का अर्थ पहले संशय होगा उसका अर्थ नष्ट होगा, ये अर्थ नहीं। ठा गति निवृत्त हूँ था धातु, दौड़ करके जाकर खड़ा होगा तो तिष्ठ दिखाएंगे, नहीं दौड़ कर खड़ा है तो तिष्ठ दिखाएंगे नहीं। कोई व्यक्ति खड़ा है सतिष्ठति कर सकते, वो तो दौड़ा नहीं, ये दौड़ करके खड़े नहीं सही। गति निवृत्ति का तो गति अभाव, गति यही नहीं, निवृत्ति का तो अभाव करना होता है, नाश नहीं, गति का नाश। तो यहाँ संशयादि निवृत्ति फल, निवृत्ति के संशय विपर्य अभाव। अस्मद अहम ऐसे प्रत्यय यदि हो गया तो अस्मि नवा नास्मि से संचय विपर्य नहीं होता, संचय विपर्य का अभाव रूप फल, फलभागत्वात् चिदात्मा, फलभागी चिदात्मा, इसमें कभी संशय विपर्य नहीं होता है। अहम इससे प्रत्यय हो गया तो अस्मि नवा नास्मि, अस्मि नवा संशय नास्मि इसे विपर्य, संशय विपर्य की निवृत्ति दोनों के अभाव रूप फल भाग, फलम भजते थे फल भाग चिदात्मा, ये फल वाला होने से अस्मत् प्रत्ययोग्य। जैसे घटपटा दी अस्मत् प्रत्ययुक्त संस्यादि निवृत्ति फल भाग है घटपटा दी, घट का घट का ज्ञान हो गया तो अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त संस्यादि निवृत्ति फल घटपटे में नहीं बेहतरे के, जहाँ फल भागत्व नास्ती तत्र अस्मत् प्रत्ययोग्यता नास्ती, घटपटादि में बेहतरे के, यत्र हेतु नास्ती तत्र साध्य नास्ती। घटपटादि अनात्मा में अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त संशयादि निवृत्ति फल भागत्व नहीं है, वहाँ अस्मत् प्रत्ययोग्यत्व भी नहीं, घटपटादि में अस्मत् प्रत्ययोग्यता नहीं है। और हेतु अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त संशया निवृत्ति फलाभाव, फल नहीं फलाभाव है, फल नहीं हेतु का अभाव, साध्य का भी अभाव, अस्मत् योग्यता का अभाव, व्यत्य की व्याप्ति। और चिदात्मा में अस्मत् प्रयुक्त संशयादि निवृत्ति फलभाव तो है, इसलिए साध्य क्या रहेगा? अस्मत् प्रत्यय योग्यता। यहाँ जो अस्मत् प्रत्यय योग्यता है, अच्छा ठीक है।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।